तो दोस्तों आज हम हैं दिल्ली और मेरठ हाईवे के पास, और हमारी जो टाटा नेक्सॉन है उसका बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। दोनों टायर जो थे और लेफ्ट हैंड साइड के वो फट चुके हैं, और अभी हम साइड में खड़े हुए हैं। हमने मैकेनिक को बुलाया है, और जैसा आप देख सकते हैं आगे टायर पूरी तरीके से फट चुका है, और जो नीचे का एक्सल है वो भी टूट चुका है, तो गाड़ी बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही है। पीछे का टायर था वो थोड़ा बच गया था, तो वो हमने चेंज करवा के स्टेपनी वहाँ पर लगा दी, पर आगे का टायर बिल्कुल ही जा चुका है, और उसके जो नीचे का एक्सल था वो भी टूट चुका है, तो मैकेनिक उसको सही कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे आगे जो ट्रक था वो टर्न लेके नीचे जा रहा था, और हम जो नीचे जो सर्विस हो रही है उससे ऊपर आ रहे थे। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो हाईवेज होते हैं उनके साइड में रेलिंग लगी होती है लंबी लंबी, तो हो सकता है या तो कोई ट्रक टकराया हो या कोई गाड़ी टकराई हो, तो जो रेलिंग सीधी होने की बजाय थोड़ी रोड के अंदर की तरफ थी। तो ट्रक जैसे नीचे उतर रहा था हाईवे से और हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो ट्रक की वजह से वो चीज़ दिखी नहीं, और वो बिल्कुल ही लेफ्ट हैंड साइड में पूरी जो रेलिंग थी वो घुस गई और दोनों टायर को फाड़ दिया। जब तक हम कुछ समझ पाते, पहला टायर फटा और दूसरा टायर भी फट गया। तो जैसा आप देख सकते हैं आगे की तरफ से पूरी तरीके से गाड़ी का जो एक्सल है वो टूट चुका है, टायर भी फट चुका है। पीछे का टायर बच गया, तो मतलब फट तो वो भी गया था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चोट नहीं आई और हमने स्टेपनी चेंज कर दी। तो अब देखते हैं, सर्विस वाले को बुलाएंगे, उसको सर्विस पे भेजेंगे, तो फिर जो भी होगा हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा है, क्या जो भी रहा इसके बारे में, टाटा नेक्सॉन के बारे में। लेकिन सेफ्टी पूरी थी, अंदर किसी को भी कोई चोट नहीं आई, जैसा आप देख सकते हैं हर कोई किसी को बिल्कुल चोट नहीं आई। जो रेलिंग थी बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ी में टकराई थी, लेकिन तब भी अंदर एक भी खरोच नहीं आई, जो भी था टायर और एक्सल चला गया। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे बिल्कुल।